बहू। हाँ माँ जी। कहाँ जात हऊ? अरे मम्मी हम तो जाते अपने नैहरे। नैहरे जात हऊ? सदा खुश रहा। अरे जब खुश रहा देबू तब ना। इतना सस सवर के कहाँ जात हऊ? जात है मरे। जब तू मरे जात हऊ इतना सस सवर के जाए का मतलब बा? नदी गाड़ू कल पेपरवा में हमार फोटोइया आईबे करे ताकि बढ़िया आवे ब्यूटीफुल आवे। नमस्कार, मैं हूँ पत्रकार विभास, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। इसमें मैं जौनपुर जनपद में हूँ। जौनपुर जनपद में कॉमेडी चैनल है गुड्डू यूपी 62, जो कि इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी लोग लाइक और पसंद कर रहे हैं। इनका चैनल काफ़ी देखा जा रहा है, लाखों में व्यू जा रहा है, मिलियन में जा रहा है। और मैं बता दूं जौनपुर में काफ़ी लोग जो है कॉमेडी चैनल पे इस समय धूम मचा रहे हैं, चाहे वो मुत्तन दादा हों, उमेश निषाद हों, रोली जौनपुरिया हों, तमाम कलाकार हैं। हम लोग हर कलाकारों के पास जा रहे हैं। हमने मुत्तन दादा, उमेश निषाद और रोली जौनपुरिया का इंटरव्यू जौनपुर में किया था, तो मैंने कहा कि गुड्डू यादव से भी मुलाकात कर लिया जाए। और इनके चैनल पे ये उनकी माताजी और इनकी पत्नी हैं और गुड्डू भाई खुद जो है धूम मचा रहे हैं। इन लोगों का जो कंटेंट है बराबर डालते हैं और लोग काफ़ी लाइक और पसंद कर रहे हैं। माता जी का नाम है? हमारा नाम है किरण यादव। किरण, आपका नाम है? मीरू यादव। गुड्डू भाई, आप तो? गुड्डू कुमार। अच्छा गुड्डू भाई, ये चैनल कब से शुरू किया आपने? इस पे आपका चैनल शुरू किए 9 अगस्त को। 9 अगस्त को। और कब ऐसा लगा कि आप कॉमेडी में जो है चैनल बनाने का, कब सोचा कि हमको कॉमेडी करना है? जब चैनल बनाए तभी सोच लिए थे कि कॉमेडी करना है। नहीं ना, तो किसी का चैनल देखो के कि पहले से ही इस तरह कमर में था? हाँ, मतलब हम पहले मतलब देखते थे सब लोग का। हाँ। बस यही देखते थे कि लोग कहते थे कि हम YouTube से इतना कमाते हैं, बोलते थे इतना कमाते हैं, तो हम भी शुरुआत कर दिए। भाई जब लोग सब लोग कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना चाहिए, देख लेते हैं, बस चालू कर दिए। देखिए मिला जुला के मतलब कंटेंट डालने के पीछे उसके पहले आपके पास एक कलाकारी होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, कॉमेडी करने का एक तरीका होना चाहिए जिससे लोग हंस सकें। वो चीज़ें होती है तब लोग डालते हैं। ये तो पहले से ही आप या तो करते रहे होंगे घर परिवार में कि? नहीं नहीं, पार्ट टाइम हम मतलब कुछ वर्क भी करते थे, पार्ट टाइम इसको भी करते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर धीरे धीरे जब पॉपुलरिटी देते होती चली गई फिर मन और लगने लगा। तो गुड्डू भाई कैसे सोचे कि हम परिवार के साथ ही करेंगे, अपने परिवार के साथ ही करेंगे? परिवार के साथ का मतलब यह है कि हम ऐसा कोई वीडियोज बनाए जो सब लोग परिवार में बैठ के देख सकें। हाँ, हाँ, इसी वजह से हम परिवार के साथ किए हैं। हाँ, ताकि हमारी वीडियोज जो है पूरे परिवार में जाए और सब लोग एक साथ लुत्फ उठाएं। अच्छा ये बताइए, तो महिलाओं के लिए, एक तो गांव की महिलाओं के लिए इस तरह चीज़ें करना बड़ा वो होता है, नहीं करना चाहती हैं, फिर कैसे आप इनका साथ दिया, आपने कैसे सोचा कि हमको करना ही है? हमारे घर के परिवार इतने अच्छे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे बेटी को रखा जाता है उसी तरह से हमें बहू, हम भले ही हैं, मुझे बेटी की तरह रखते हैं, तो इनके खुशी में हमारी भी खुशी है। अच्छा, तो कुछ पढ़ी उढ़ी हैं आप, कितना तक? हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं, तो पढ़ाई के दौरान क्या इस तरह सोच थी कि हम कुछ अभिनय करेंगे कि कुछ और नौकरी वोकरी के लिए, क्या इसी तरह कुछ कभी थॉट थी, सोच था आपका? सोच था पर आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए हम आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा। तो इनके साथ हम इसी में लग गए। अच्छा, तो कॉमेडी में पहले से आप जैसे मन था कि कॉमेडी बनाया जाए कि जब ये कहे गुड्डू तब आप तैयार हुए? मन था मेरा, लेकिन हम अपने आप से नहीं कह रहे थे। अच्छा, मन था? हाँ मन था पहले से। हाँ। लेकिन कुछ विचार नहीं सोच रहे थे कि हम करें, अपने आप से खुल नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो पहले गुड्डू भाई ने किया कि आपने पहल किया कि नहीं कॉमेडी बनाना चाहिए? शुरुआत तो इन्हीं ने किया है। अच्छा जी। अच्छा गुड्डू भाई, ये पहले आप शॉर्ट वीडियो डालते थे कि पहले मोबाइल? नहीं, स्टार्टिंग में हम लॉन्ग वीडियोज डालते थे। अच्छा। ठीक है, लॉन्ग वीडियोज मतलब हमारा नहीं चलता था, तो फिर हम सोचे कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाए। शॉर्ट वीडियो हमारा देख रहे थे अच्छा खासा चल रहा था, तो हम शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। शॉर्ट वीडियो हमारी जब वायरल हो गई तो फिर देखे कि लॉन्ग वीडियो भी वायरल होने लगी। जब लॉन्ग वीडियो वायरल हो गई तो फिर एक प्रकार से और जुनून आ गया, फिर हम काम करते चले गए। अब धीरे धीरे हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। गुड्डू भाई, हमने पूछा नहीं था आपसे, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? हम भी ग्रेजुएशन किए हैं, जितना ये पढ़ी हैं उतना हम भी। ये कंटेंट जो आप लोग पहले से मन बनाए रहते हैं कि अचानक ही तैयार कर लेते हैं? नहीं, मान लीजिए आज भी वीडियोज बनाना है तो 1 घंटे पहले अब सोच लेते हैं क्या बनाना है। 1 घंटे पहले हम लोग देखते हैं, ज़्यादा नहीं, किसी पर पूरा फोकस देते हैं, 100% नहीं देते हैं। आप मान के चलिए कि इस पे हम मतलब 20 से 30% ओनली देते हैं।
जैसा कि अक्सर कॉमेडी चैनल बनाने वालों से हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हम लोग तुरंत जो है कंटेंट बना लेते हैं। तो माता जी, हाँ भाई, ये बतावा तू कैसे मतलब ये सब कहें तो है कि तू अपने मन से शुरू हुई हो? नहीं भैया, हमें तो पता है ना, हमारे बेटी बेटा हमें तैयार कहें, हमें बताएं कि ऐसे ऐसे मम्मी बोला, ऐसे ऐसे करा, हम साथ दे ले आगे इनकर सबके। सब पहले बतावत है कि तू जवन हो जान जात हो हमें यही करे के बाद? नहीं बतावत बतावत है। हाँ। सबसे बड़ी चीज है कि माता जी जो है इनके बताने कर ले रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। जबकि अभी दूसरी कोई ऐसी इनकी उम्र का होता तो कहता कि अरे हम इनको ना कह पाओ, लेकिन माता जी आप इस उम्र में कर ले रही हैं, जो लोग बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, हम कह ले थे, सब बतावत है तो हम कह ले थे। अच्छा, आपके कंटेंट में तोरे मी रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा कहानी रहा था सासू पतोहू का कि उम्र लोग हंसिंदे थे, एक आध दूसरे कंटेंट पहले बताओ जवन हो। बहू। हाँ माँ जी। कहाँ जात हो? अरे मम्मी, हम तो जाते अपने नैहरे। नैहरे जात हो? सदा खुश रहा। अरे जब खुश रहा है देवू तब ना। मतलब खुश नहीं रहने देती बहू को? बस कॉमेडी में कुछ भी हाँ कुछ हो जाता है। और और गुड्डू भाई का कंटेंट ऐसा जो आप लोगों का काफी हो, थोड़ा सा आप भी उसमें शामिल होइए। हे हो, कहाँ हो? इतना सस सवर के कहाँ जात हो? जात है मरई। जब तू मरई जात हो इतना सस सवर के जाए का मतलब बा? नदी गाड़ू, कल पेपरवा में हमार फोटोइया आइबे क्या रे, ताकि बढ़िया आवे, ब्यूटीफुल आवे। देखिए ये एक एक कलाकार हैं लोग, ये लोग कलाकार इस तरह के लोग हैं, कला जो अभिनय करते हैं उसमें थोड़ा सा ये लोग अपने आप जो है हंसने लगते हैं। तो गुड्डू भाई इस गांव से, जौनपुर के एक गांव से संबंध रखते हैं और गांव में इस तरह की कला हैं, प्रतिभाएं बराबर जो है निखर रही हैं। अच्छा गुड्डू भाई ये बताएं, और कोई कलाकार इस तरह के जो थे बीच में? सुना रोली जौनपुरिया ये सब आप पास आए थे क्या? हाँ, ब्लॉग में देखा था। आई थी। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे अब एक ग्रुप हो गया है, हम लोग कॉमेडी बनाते हैं तो वो भी बनाती हैं। हाँ। तो हम लोग का एक ग्रुप है, हम आपके साथ करेंगे काम, वो उनके साथ काम करेंगे, मतलब एक प्यार है। हम लोगों का विचार बना हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ताकि मेरे दर्शक लोग ज्यादा पसंद करें, खुश करें और लाइक शेयर कमेंट करें। हम लोग का कंटेंट भी न्यू बनता चला जाएगा जब लोग हम लोग सब एक साथ करेंगे। हमेशा एक ही साथ करोगे काम फिर बेकार हो जाता है ना। तो गुड्डू भाई इसमें पहल किसने किया कि एक साथ आया जाए और किया जाए? आपने किया कि रोली ने बताया? नहीं, मैंने ही किया। अच्छा, आपने पहल किया था। हाँ। तो रोली आई थी तो कुछ वीडियो शूट उठ भी हुए हैं? हाँ, वीडियो शूट हुआ। कितना हुआ होगा अभी? हुआ वीडियो, 5-6 गो शूट हुआ। तो 5-6 जो शूट हुआ है रोली के चैनल पे आए हुए भी हैं। आ गए हैं? हाँ, अच्छा, आपने भी अपने चैनल पे डाला है कि नहीं? हाँ, हमारे चैनल पे भी आए हैं। आए हैं? हाँ। कुछ डाल दिया है? हाँ। अच्छा, कितना चल रहा है अभी? कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया? हाँ, एकदम बढ़िया, बहुत लाइन पे है। अच्छा, तो भविष्य में और भी कलाकार हैं जैसे जिले के आपके उमेश निषाद, मुत्तन दादा, इस तरह के और भी लोग हैं, क्या कभी इन लोगों से भी कुछ बात हुई है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुई है, रोली जी से बात हुई है। हाँ, रोली जी मतलब बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, रोली जी से पहले ही बात हुई। अच्छा। इंस्टा पे बात हुआ, उसके बाद सब कुछ आगे बढ़ता गया। आप भी कॉमेडी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, तो देखे होंगे तो इसलिए जो है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है, साथ में काम करना अच्छा लगता है। जैसे बता दें, रोली जौनपुरिया जो है और भी मतलब जो कलाकार हैं, जैसे आपके प्रतापगढ़ के अखिलेश से भी हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि हमसे भी जो है वो आई थी, एक आध दो वीडियो में हम लोग काम किए हैं। तो इस तरह पहल उनकी होती है, क्या कभी इस तरह का विचार बना है कि आने वाले समय में जो और बड़े कलाकार हैं, जैसे और हैं एक बड़े एक जैसे मतलब मान लीजिए हम ही हाथ हर जगह फैलाए तो नहीं अच्छी बात है, हो सकता है कोई भी और आगे हाथ बढ़ाए तो हम भी फैला देंगे भाई। हाँ चलिए, हम आपके साथ आ रहे हैं। और फिर सब लोग जब अपने अपने में लगे हुए हैं तो फिर टाइम की बात है, टाइम रहेगी तो हम लोग सब लोग से मिलजुल के एक साथ काम करेंगे। अच्छा, जब आप महिला हैं, महिलाओं की बात होती है, जैसे आप जब शुरू की इसमें तो पहले तो आपको संकोच लगा होगा कि नहीं वीडियो बनाए कि नहीं, ऐसा कुछ आया था संकोच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब आपने काम करना शुरू किया तो क्या कुछ गांव में कुछ महिलाओं की तरफ चर्चा भी? नहीं, मेरे गाँव वाले ने ही हम लोगों का वीडियो आगे बढ़ाए हैं। सही बता रही हैं, हम लोग के गांव वाले ही हम लोग का वीडियो वायरल करते हैं। हमारे गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और देखते भी हैं, साउंड लगा लगा के। हमारे गांव में हमारी वीडियो
एक नहीं हजार बार चल जाती है, हमारे गांव में वायरल हो जाती है, उसके बाद हम लोग की वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती है। देखिए हमारे गांव से बहुत सपोर्ट मिलता है। देखिए इनको कह रहे हैं कि गांव से बहुत सपोर्ट मिलता है, जबकि अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई आगे निकलने लगता है तो आपके अगल बगल गाँव के लोग ही या क्षेत्र के लोग ही पैर खींचने का प्रयास करते हैं। मैंने इसलिए सवाल पूछा। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे गाँव के लोग कहते हैं कोई तो ऐसा निकला कि जो हमारे गाँव का नाम रोशन हो, जौनपुर का नाम रोशन करे। सही भी है कि जो है हम लोग जब आए थे तो वहाँ से पता लगाते लगाते आए, गुड्डू भाई को पूछते जौनपुर से चले आए, भैया जौनपुर से जा रहे हैं, तो लोग बताने लगे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान रहा है, सपोर्ट है गांव वाले को, लोग जानते हैं इनको। और एक चीज़ ये बताएं आप जो है कि कुछ और कंटेंट का दो ठो है तो साठ में मार दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेना चाहते हैं कि हमें अभी मेरे भाभी का ऑपरेशन हुआ है, हमें वहाँ बुलावा सुबह से था और हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी हम लोग की पूरी वीडियोज भी नहीं, अगर आप फुर्सत में फिर कभी आएंगे तो हम फिर इंटरव्यू देंगे अच्छे से, अच्छी तरीके से देंगे। अगर आप 11 बजे आ जाए, हम लोग खाली रहते हैं पूरा टाइम, हम लोग 2 बजे के बाद ही यही थोड़ा बिजी होते हैं, नहीं तो हम पूरा दिन खाली रहते हैं। जैसा कि गुड्डू भाई ठीक है, हम लोग 60 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ, फिलहाल थोड़ा सा निकलने में भी समय भी लग जाता है, लेकिन ये बता दें कि ये जो है इनकी पत्नी भी ये तैयार हैं, कहीं कोई बीमार है वहाँ जा रहे हैं, गुड्डू भाई भी तैयार हैं। जाते जाते ये काट हो माता जी के साथ, कुछ थोड़ा सा माता जी के साथ है। हाँ दिक्कत मत करें, अब जाएगा। देख लीजिए बता दे रहे हैं आपको, हमारी जो एक भैंस थी अभी फिलहाल 3-4 दिन हुआ खत्म हो गई, ठीक है, इसी वजह से मतलब हम लोग सब लोग अभी सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसा कि हमारे साथ है गुड्डू भाई जुटे थे, गुड्डू की UP62 है चैनल है और इससे हमारी बातचीत हुई। ये जल्दी में भी हैं, कुछ परेशानी में भी हैं, मैं दूर से आया था इसलिए जाते जाते ये लोग मिल गए, हमको एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है। इन्होंने कहा कि भविष्य में फिर कभी हम आएंगे तो फिर ये इंटरव्यू देंगे। थोड़ा सा आपका चैनल बता दीजिए दर्शकों को। दोस्तों हम लोग का चैनल है गुड्डू UP62। दोस्तों हम लोग को आप ऐसे ही प्यार और दुलार देते रहिए, और जो भैया जी आए हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग इनका भी बहुत सपोर्ट करिए और इनके वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इनके चैनल को एकदम धुआंधार आगे बढ़ाते रहें। हमारा चैनल भारत कवरेज न्यूज है, आप बोल दीजिए। भारत कवरेज न्यूज को आप लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, जैसे दोपहरियम धुआं उड़े वैसे उड़े। देखिए इन्होंने हमारे चैनल के लिए भी कहा है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इनका वीडियो भी खूब देखिए, इनको भी प्यार दुलार दीजिए, हमारे समाचार चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।